आप पहले तो आपको बताइए कितने साल की उम्र होगी। वैसे नेताओं से नहीं पूछनी चाहिए उम्र, तो भगवान के दी हुई 66 साल, 66वां जन्मदिन है। बहुत स्वस्थ है आप इस समय भी। स्वस्थ तो जनता और आप लोगों के भाई आशीर्वाद से। नेता के लिए जनता का प्यार एक डोज है एक्स्ट्रा। बिल्कुल, मेरे तो 24 घंटा प्यार ही रहता है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ और जनता के पास कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लोगों के साथ रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। आज रक्तदान शिविर हो रहा है, कबड्डी प्रतियोगिताएं हो रही है, प्रदेश की नहीं नेशनल टीमें आ रही है, जिले भर में स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। बाजू को दुल्हन की तरह सजाया गया आपके कार्यकर्ताओं और टीम बालाराम मोड की तरफ से, क्या संदेश है कार्यकर्ताओं की? ये तो कार्यकर्ताओं की भावना है, बाड़मेर भाई तू कोई नहीं, बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों की। मैं तो जयपुर से वापस आया तो मैंने देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था कि कार्यक्रम बन रहा है। मैं तो एक कुछ भाई सोशल मीडिया पर देखा तो यूँ पता किया तो कि कार्यकर्ताओं ने रख दिया है। अरे मैंने कहा मेरा तो जन्मदिन सादगी से रखना है, कि नहीं कार्यकर्ताओं की इच्छा है और कार्यकर्ता रख रहे हैं, आपको तो सिर्फ आना है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं का प्रेम है और जनता का प्रेम है। महापुरुषों की मूर्तियों को आप सबसे पहले नमन करने गए हैं, अस्पताल भी गए हैं, क्या सामाजिक सरोकार नेताओं के जन्मदिन पर होने चाहिए ऐसे ऐसे? महापुरुषों की अपने हिंदू संस्कृति की रीति रिवाज है और ये एक पुण्य काम है, इसलिए पहले रामदास जी की जयंती, फिर हॉस्पिटल गए बाबा साहब की और यहाँ लाल जी की इस मूर्ति पे आए। इसलिए ये कोई संदेश नहीं है, ये एक तरह का पवित्र काम है। रक्तदान शिविर हो रहा है, अस्पताल में किसी को रक्त की कमी नहीं हो, नेताओं के जन्मदिन आते हैं तो उनके शुभ चिंतक रक्तदान देते हैं। रक्तदान तो अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा से रक्तदान है। वास्तव में रक्तदान एक महादान है और रक्तदान जो कार्यकर्ताओं ने कहा, मैं उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। मेरे जन्मदिन पे कितने लोगों को रक्तदान होगा, कितने लोगों को जीवन। एक संदेश युवा पीढ़ी के लिए आपकी तरफ से? युवा पीढ़ी से मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि संस्कार में हो और संस्कार जीवन हो और यूं हर काम ऐसा करे जो अपने जिले गांव और नाम का रोशन हो। ऐसी सुबह मुख्यमंत्री जी का फोन आया, जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री जी तो मैं एक पार्टी का 1980 से पार्टी की स्थापना दिवस से कार्यकर्ता हूं और वो मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री बने तो इसलिए उन्होंने कार्यकर्ता को संदेश देना बहुत आवश्यक समझा और ये मेरे लिए और जनता के लिए बहुत शुभ चिंतक बात है। आपके क्षेत्र के लिए क्या बड़ी योजना जो है अब आपके दिल में चल रही है? मेरे दिल में तो बहुत बड़ी योजना थी नर्मदा का पानी बाईतू को दिलाना और मोदी जी से पहले प्रपोजल ही भेजा, मगर वो विषय तो जनता के दिल में नहीं ढूका, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस विषय के लिए। लेकिन काम बाल जी के हो रहे हैं, जनता ने भले चूक हुई या परिणाम कोई भी रहा, लेकिन बाल जी जनता का काम कर रहे हैं लगातार। अभी इस बार स्कूलों के जो क्लासरूम है उनकी लिस्ट जारी हुई, कहीं पानी की हो रही है, बिजली की हो रही है, काम बाल जी के एक नंबर पर हो रहे हैं। काम तो कार्यकर्ताओं का हो रहा है और मैं पार्टी का वर्षों से कार्यकर्ता हूँ और मतलब जो भी मेरी अनुभव है, लोगों को पहले ये पता नहीं था कि अनुभव है, तो मैं 2400 घंटा मतलब एक महीने में 15 दिन जयपुर सेक्रेटरिएट में रहता हूँ और जनता के काम का जो ऐसा नहीं है कि जनता ने मेरे ये काम मांगा, ये काम जो मेरे दिमाग में आया वो काम किया, मैंने बुला के गिनाया नहीं। और जो जनता का कैसे भला हो, बाईतू की जनता का विकास हो और राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान ही होगा जो बजट घोषणा में जो घोषणा है की, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 दिन भाई अगले बजट से पहले सभी जो घोषणाएं क्रियान्वित हुई है, राजस्थान के इतिहास में एक बड़ा इतिहास रचा है मुख्यमंत्री जी। इससे पहले 100 दिन में जो काम दिए थे वो सब धरातल पे काम शुरू हो गए। आप संगठन में लंबे समय तक रहे, वो अनुभव आपके काम आ रहा है?
बिल्कुल संगठन का तो संगठन का अनुभव कारण उसी की जान पहचान ही विकास के कार्यकर्ताओं के लिए काम आ रही। जहां भी जाके खड़ा रहता हूं तो सब लोग, मैं पुरानी हर मंत्री से और हर अधिकारियों से मेरा इतना संपर्क है कि मैं जाके बैठ जाता हूं तो सामने वो काम करके देते। आपके शुभ चिंतक, पारिवारिक लोग, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं आज के जन्मदिन पर? आपके जन्मदिन पे मैं पूरी बाड़मेर और बालोतरा की जनता का शुभ चिंतक होते हुए उनका जीवन सुख में हो और बाड़मेर और बालोतरा की पूरी जनता सुख में हो और उनका जीवन सुख में हो और निरंतर निरंतर प्रगति करे, यही मैं भगवान से आराधना करता हूँ। धन्यवाद।